अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हम तुम फूड रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का, बिल्कुल अपने स्टाइल से। आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए, चिकन टिक्का तैयार करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। लेमन जूस हमें चाहिए, फुल लेमन मैंने लिया है, बड़े साइज़ का एक लेमन लिया है। उसके साथ मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने ली है नमक। नमक मैंने बहुत कम लिया है, वो इसलिए कि मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल करना है, उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर की ली है, 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है, एंड 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ब्लैक पेपर के लिए हैं। उसके साथ मैंने चिकन के पीस लिए हैं इस तरह के, और इनमें मैंने बड़े बड़े कट लगा लिए हैं। साथ में मैंने ले लेना है ऑलिव ऑयल ज़रूरत के मुताबिक। उसके साथ मैंने 3 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस ले लेना है, और 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस ले लेना है। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेना है, इसमें मैंने लेमन का जूस ऐड करना है। उसके साथ मैंने अपने मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है चिली सॉस, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। सोया सॉस को पहले मैं अच्छी तरह से हिला लूंगी, और फिर मैं सोया सॉस थ्री टेबल स्पून के करीब सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद मैं ऐड करूंगी ऑयल, ये भी मैं 3 टेबल स्पून ऐड करूंगी, और सारे मिक्सर को हम मिक्स करके तो चिकन के स्लाइस पे अच्छी तरीके से लगा लेंगे सारे चिकन के। मैंने 4 पीसेस लिए हैं। इस तरीके से चिकन पे हम सारे मसाले लगा लेंगे। चिकन पे मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसको रैप करके रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए, फ्रिज में रख देंगे इसको। इसको मैं अब फ्रिज में रखूंगी 2 से 2.5 घंटे के लिए। जी तो दोस्तों, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हमने एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया है बेकिंग ट्रे पे, और इस पे मैं सारा चिकन इस तरीके से सेट कर लूंगी। चिकन ट्रे में से जा लिया है, और जो बाकी का मसाला हमारे पास रह गया था वो इस तरीके से हाथ की मदद से चिकन पे हम लगा लेंगे। ओवन मेरा प्री हीटेड है, अब मैं इसको ओवन में रखने के लिए जा रही हूँ। इसको प्री हीट ओवन में मैं रखूँगी तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए। तो दोस्तों, टाइम हमारा पूरा हो चुका है, चिकन हमारा परफेक्ट बेक हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको हम डिश आउट करेंगे। चिकन हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त सा चिकन हमारा रेडी हो गया है। आप इसको मिंट सॉस के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हम आपसे दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।